हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। विश्व कप शुरू होने में बस 3 दिन का समय बाकी अब रह गया है और आप यकीन माने इस दौरान मतलब 2019 विश्व कप के बाद से और 2023 विश्व कप के बाद से किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 टॉप बल्लेबाजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है वेस्टइंडीज के शियो होप। वेस्टइंडीज के शियो होप ने सबसे ज्यादा 55 मुकाबले इस दौरान उन्होंने खेले हैं। 55 मुकाबलों में 2419 रन जो है शियो होप ने लगाया, मतलब सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं और सबसे ज्यादा मैचेस भी खेले हैं। इस दौरान उनका बैटिंग एवरेज जो है वो है 53 का, मतलब 53 के बैटिंग एवरेज से जो है शियो होप ने रन कूटे हैं। 9 शतक और 11 अर्धशतक इस दौरान लगाए हैं। स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 78 का उनका जो है स्ट्राइक रेट इस दौरान रहा है। और दूसरे नंबर पे बिना किसी शक के बाबर आजम है, जो कि पिछले 2.5 सालों से दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज बना हुआ है। लगभग में 900 प्लस दिन हो गए इनको नंबर वन रैंकिंग पर और बाबर आजम ने सबसे कम मैच खेले, उन्होंने 35 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान जो है 2196 रन बाबर आजम ने बनाए हैं। 158 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आया था, इंग्लैंड में उन्होंने रन बनाए थे। और बाबर आजम का बैटिंग एवरेज जो है वो 67 का रहा है, मतलब हर मैच में तकरीबन जो है बाबर आजम 67 रन बनाकर जो है वापस पवेलियन लौटा करते थे। तो 9 शतक मतलब शियो होप के शतक की बराबरी उन्होंने की है और 13 अर्धशतक जो कि सबसे ज्यादा यानी 2250 प्लस स्कोर जो है बाबर आजम ने 35 इनिंग्स में किया, यानी कि सिर्फ 13 ही मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां पे बाबर आजम जो है 50 या 50 प्लस स्कोर उन्होंने नहीं किया है। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। नंबर 3 पे है शुभमन गिल, भारत का उभरता हुआ सितारा बिना किसी शक के, और नंबर 2 पे इस समय और हो सकता है कि दुनिया का नंबर 1 वनडे बल्लेबाज भी बन जाए बाबर आजम को हटा के। 33 मुकाबले इस दौरान उन्होंने खेले हैं। 1901 रन जो है शुभमन गिल ने बनाया है, 208 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 70 का एवरेज रहा है और 104 का जो है उनका स्ट्राइक रेट रहा है जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्राइक रेट इस समय आप कह सकते हैं टॉप 20 वालों में। 6 शतक लगा है और 9 अर्धशतक जो है शुभमन गिल के बल्ले से आए हैं। ये हो गया टॉप 3 बल्लेबाज। नंबर 4 पे है विराट कोहली। विराट कोहली ने 45 मुकाबले खेले हैं, 41 मैचों में उन्होंने बल्लेबाजी की है, 1797 रन उन्होंने कूटे हैं, 166 जो स्कोर आया था वो श्रीलंका के अगेंस्ट आया था, फट्टा विकेट पे, बहुत छोटी बाउंड्री थी श्रीलंका के अगेंस्ट जहां पे कसुन रजिता जैसे गेंदबाज जो है वो बॉलिंग कर रहे थे। इस दौरान जो है विराट कोहली का एवरेज जो है वो 47 का रहा है, 99 उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहा है, 6 शतक और 12 अर्धशतक जो है विराट कोहली के बल्ले से आए हैं। नंबर 5 पे है निकलस पूरन। निकलस पूरन ने 51 मुकाबले खेले, 49 मैचों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला और 1616 रन कूटे हैं, 115 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 38 का उनका एवरेज रहा है और 99 का जो है स्ट्राइक रेट इस दौरान उनका रहा है। 2 शतक और 9 अर्धशतक जो है निकलस पूरन के बल्ले से निकले हैं। तो ये है टॉप 5 बल्लेबाज। पहले नंबर पे शियो होप, दूसरे पे बाबर आजम, तीसरे पे शुभमन गिल, चौथे पे विराट कोहली और पांचवे पे निकलस पूरन। चलो छठा बता ही देते हैं, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने 41 मैचेस खेले हैं, 37 मैचों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 1591 रन बनाए, 47 का हाई बैटिंग एवरेज रहा है और इस दौरान जो इन्होंने जो सबसे ज्यादा रन एक मैच में कूटे वो है 113 रन, इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और 3 शतक और 12 अर्धशतक जो है श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकले हैं। तो ये है टॉप 6 बल्लेबाज जिन्होंने 2019 के बाद से वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन कूटे हैं। तो इसमें से आपको ऐसा कौन सा बल्लेबाज लगता है जो 2023 के विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।